नमस्कार दोस्तों, एल के विजय ब्लॉग में एल के विजय आपका स्वागत करता है। आप आजकल देख रहे होंगे कि कोचिंग सेंटर्स का जाल, एक मकड़ जाल बढ़ता ही जा रहा है और ये छात्रों पर इस तरह से अपना शिकंजा कसता जा रहा है कि जो छात्र इंटेलिजेंट होते हुए भी वो सोचता है कि मैं अगर कोचिंग में अपनी एंट्री नहीं लूंगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। ये कोचिंग सेंटर्स केवल आपको गाइडेंस देते हैं, ये कभी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आपको सक्सेस दिला देंगे। सक्सेस दिलाने में पूरा योगदान आपका खुद का होता है। आपने देखा होगा कि IIT, NEET, UPSC इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए लोग कोचिंग सेंटर्स में अपना जो फादर का हार्ड अर्न मनी है उसको पैसे की तरह बहा रहे हैं और वे ये भी नहीं सोचते कि हम इस काबिल हैं या नहीं, हमारे अंदर इस तरह की क्षमता है या नहीं। अब आप देख लो कि UPSC के अंदर मुश्किल से 800,000 सीटें होती हैं और 18 से 20 लाख बच्चे उसमें तैयारी करते हैं और बाकी के बच्चे आपको पता है कि जो तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनमें इस तरह की क्षमता नहीं होती, पढ़ने का पूरा टाइम टेबल बना नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में, वो टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दे नहीं सकते, फिर भी वो उन कोचिंग सेंटर्स के मकर जाल में आ जाते हैं और साल, दो साल, तीन साल वो अपनी ख़राब करते रहते हैं। और इन कोचिंग सेंटर्स में इनके जो संचालक होते हैं, इनके जो टीचर्स होते हैं, उन्हीं में से वो मोटिवेटर बन जाते हैं और फिर आप एक साल सेलेक्ट नहीं हुए फिर आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं बच्चा तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है। ये सब वो अपनी कोचिंग में दोबारा से रीएडमिशन के लिए करते हैं। दोस्तों, आप इनकी पॉलिसी को समझ नहीं पाते हैं। आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आप 8 से 10 घंटे आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर सकते हैं पूरे प्लानिंग के तहत तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए और गारंटी से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आप एक घंटे, आधे घंटे आप टेबल स्टडी, चेयर स्टडी पर नहीं बैठ सकते तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। इसका मतलब है आपको अपना कोई फील्ड दूसरा चुन लेना चाहिए। आप अपने माँ बाप के पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। तो आप भ्रमित ना हो, अपनी क्षमताओं को पहचाने और क्षमता के अनुसार ही आप कोई डिसीजन लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी कॉम्पिटिशन में अपीयर ना हो, जरूर अपीयर हो, लेकिन उसको कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के अंदर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर एबिलिटी है, आप अपना पूरा टाइम दे सकते हैं तो आप वो काम करें, अन्यथा आप किसी दूसरे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और बुलंदियों को छू सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।